शिवसेना उबाटा की ओर से मुस्लिम बहुल परिसर में मुस्लिम उम्मीदवार देगी, ऐसा वक्तव्य हाल ही में अंबादास दानवे दुरा किया था। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए वडेटीवार बोले कि पार्टी का एजेंडा किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं हो सकता है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हिंदू मुस्लिम और दलित के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आप इस एजेंडे पर चलेंगे तो चुनाव लड़ने का अधिकार खो सकते हैं। अगर शिवसेना मुस्लिम उम्मीदवार उतारने को तैयार है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। इसका मतलब है कि वे लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते हैं। सादृश्यक नव्हते शिवसेनेकडून। आता भाजपमध्ये हिंदुत्ववादी आहे तर त्यांच्याकडे त्यांचे प्रवक्ते मुसलमान नाही आहे, हा कसला वाद आहे? हिंदुत्व हा एक विचार आहे, त्याला धर्माशी जोडता कामा नये। हिंदुत्व हा एक आणि पक्षाचा एजेंडा कुठल्या जातीवर आणि धर्मावर आधारित होऊ शकत नाही। या देशामध्ये लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये हिंदू मुस्लिम दलित असा भेदभाव करता येणार नाही। तुम्हाला मत मागताना तुम्ही जर या एजेंड्यावर जाणार तर तुम्हाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार सुद्धा तुम्ही गमावून बसणार आहात। त्यामुळे शिवसेनेने जर मुसलमान मुस्लिम उमेदवार देण्याची तयारी असेल तर मला काही त्यात वावगं वाटत नाही। ते लोकशाहीला म्हणतात, ते संविधानाला म्हणतात, असा त्याचा अर्थ।